नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो कार की सनरूफ होती है, लोग उससे बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी कार को, वेदर को, तो क्या ये एक क्राइम है या नहीं। तो दोस्तों, कार की सनरूफ से निकलना एक क्राइम है जो सेक्शन 184 मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कवर होता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सेक्शन 184 बताऊंगा। 184 का मतलब होता है आपका डेंजरस ड्राइविंग। उसके अंदर आपका ए बी सी डी ई एफ तक कवर होते हैं। तो ए कहता है कि अगर आप ड्राइविंग जब रेड लाइट जंप करते हो तो 184 ए के अंदर कवर होता है। 184 बी कहता है कि अगर आप स्टॉप लाइन को वॉयलेट करते हो, जो स्टॉप लाइन होती है जीब्रा क्रॉसिंग, अगर आपकी कार उस पर खड़ी है तो भी एक क्राइम है। 184 सी कहता है कि अगर आप कार चलाते समय मोबाइल फोन यूज करते हो तो वो भी एक क्राइम है, उसमें भी आपको सजा हो सकती है। और 184 डी कहता है कि अगर आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हो तो वो भी एक क्राइम है, जो 184 में कवर होता है। 184 ई कहता है कि अगर आप किसी व्हीकल को ओवरटेक करते हो तो वो भी एक क्राइम है। और लास्ट आपका 184 एफ कहता है कि अगर आप डेंजरस ड्राइविंग करते हो, किसी की जान को खतरे में डालते हो, इसी के अंदर आपका 184 एफ के अंदर आपका कवर होता है सनरूफ से बाहर निकलना। अगर आप सनरूफ से बाहर निकलते हो और फ्लॉन्ट करते हो कि आपके पास सनरूफ वाली कार है, तो ये भी एक क्राइम है। जो सनरूफ, बेसिकली सनरूफ देने का कॉन्सेप्ट इसीलिए होती है सनरूफ कार के अंदर, नेचुरल लाइट को बढ़ाने के लिए या एयर को ज्यादा फ्लो करने के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा सनरूफ से बाहर निकलना एक क्राइम है जो सेक्शन 184 एफ के अंदर कवर होता है। अगर आप 184 ए बी सी डी ई एफ किसी भी तरीके का क्राइम करते पकड़े गए तो उस केस में आपके ऊपर 1000 से लेकर 5000 रुपए पेनल्टी, अप टू 1 साल की जेल आपको हो सकती है। यह है फर्स्ट ऑफेंडर के लिए। अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर है, अगर आप 3 साल के अंदर ये क्राइम दोबारा कर देते हो तो उस केस में जो आपका फाइन है वो 10,000 रुपए और आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि 184 मोटर व्हीकल एक्ट क्या है और क्या आपको सनरूफ से बाहर निकलना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन फिर लेके आपके सामने आते रहेंगे। जय हिंद।